हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बलून स्लीव्स देखेंगे और उसके साथ ही नेक की फिनिशिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फ्रंट नेक का स्क्वायर शेप में कैनवास का कटिंग कर लिया है, तो आपको भी इस तरह से कटिंग करना है। और कटिंग करने के बाद आपको पेस्ट कर देना है, अपने जो भी फैब्रिक है उसके ऊपर आपको पेस्ट कर देना है। लेकिन कैनवास कटिंग से पहले इस मेथड से मैं आपको कैसे पेस्ट करना है वो बताऊंगी। मैंने ऊपर की तरफ थोड़ा सा स्पेस रख के कैनवास को कट कर दिया है, क्योंकि जब भी हम कैनवास कट करते हैं तो ऊपर की तरफ अगर आप एक्स्ट्रा कैनवास पट्टी नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि आपके जो भी नेक का शेप है वो अलग आ जाए, या फिर जो भी शोल्डर की तरफ जो भी आपका शेप है उस शेप में नहीं आता है। क्योंकि जब हम कैनवास पेस्ट करते हैं तो शायद जितना भी सेंटर से डिस्टेंस चाहिए उतना डिस्टेंस के ऊपर कैनवास नहीं लग पाता, या फिर कैनवास पेस्ट करते समय थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है या फिर गैप हो जाता है। तो उसके लिए हमें इस तरह से कैनवास को कट कर लेना है, जिससे कि शेप परफेक्ट जितना शेप है जो शेप है उसी शेप में आपका कैनवास या नेक का फिनिशिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी नेक का फिनिशिंग के लिए कैनवास कटिंग कर लिया था। तो आपका जितना भी हाइट है विड्थ है उसके अकॉर्डिंग आपको कैनवास को कट कर लेना है, और जैसे ही वीडियो में बताया है उस तरह से आपको कैनवास को कट कर लेना है। ऊपर की तरफ से आपको थोड़ा सा कैनवास पट्टी एक्स्ट्रा छोड़ देना है, ताकि जब भी हम स्टिचिंग करें तो जो भी सेंटर है उसी सेंटर लाइन में आपका फिनिशिंग आ जाए, और जो भी आपका नेक है जो भी शेप का नेक है उस परफेक्ट शेप में आपका नेक आ जाए। तो इस तरह से आपको कैनवास कट कर लेना है, और कैनवास पट्टी लगाने के बाद नेक की फिनिशिंग करने के बाद आपको जो भी सेंटर में से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक का कैनवास फिनिशिंग के लिए रेडी कर लिया है। तो साइड से स्टिचिंग आपको कर लेना है, जो भी साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने रखा था कटिंग के समय उसको आपको फिनिशिंग कर देनी है, स्टिच कर देना है, चारों तरफ से आपको उसको फिनिशिंग कर देना है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को भी एक लाइक करना है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो जैसे जैसे वीडियो में दिखाया गया है उस तरह से अगर आप नेक की फिनिशिंग करेंगे तो बहुत ही परफेक्टली नेक की फिनिश आ जाएगी, और ज़रा भी इधर उधर नेक आपका नहीं होगा, या फिर नेक का शेप जो भी है वो सेम नेक का शेप में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको कैनवास में फिनिशिंग कर लेनी है नेक के लिए। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी एक लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलो नेक में कैसे फिनिशिंग करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले सेंटर में आपको एक मार्क कर देना है, और जो भी कैनवास में आपका फैब्रिक है उसको भी सेंटर मार्क करके चारों तरफ से आपको पिनअप कर देना है, और फिर आपको जो भी शेप का नेक है उसी शेप में आपको स्टिचिंग कर लेनी है। तो मेरा यहाँ पे स्क्वायर शेप में नेक है तो उसी अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे स्टिचिंग कर देती हूँ। तो आपको भी आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कैनवास कट कर लेना है और उसी के अकॉर्डिंग ही आपको स्टिचिंग करते जाना है। लेकिन मेथड आपको सेम रखेंगे तो बहुत ही इजीली और परफेक्ट शेप में आपका नेक का फिनिशिंग हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने स्टिच कर दिया है। अब आपको एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसको कट कर लेना है, और कॉर्नर में आपको नॉच लगा लेनी है। तो शायद आपको समझ में आया होगा कि कैनवास कटिंग करते समय मैंने ऊपर की थोड़ी सी हाफ सेंटीमीटर की पट्टी क्यूब एक्स्ट्रा रखी थी, ताकि जो भी जितना भी आपका नेक है वो परफेक्टली डिज़ाइन में आ जाए। तो आपको कैनवास को फोल्ड करके बैक साइड में रिवर्स कर देना है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे प्रेस स्टिच लगा सकते हैं, या चाहे तो आप ऐसे ही उसको रख सकते हैं। तो देखो कितनी परफेक्टली आपका स्क्वायर शेप का नेक आ गया है।
स्क्वायर शेप में ही नहीं, अगर आपको राउंड शेप चाहिए तो राउंड शेप में भी आप इसको इसी मेथड से आप यूज़ कर सकते हैं कैनवास पट्टी को, या फिर आपका जो भी शेप है नेक का उस शेप में आपको इसी मेथड से वर्क करना है। तो इस मेथड से वर्क करने के बाद देखो शोल्डर अटैचमेंट में भी एक डिफरेंट मेथड है, तो ये भी आपको इसी वीडियो में देखने मिलेगी। जैसे ही मैंने यहाँ पे फ्रंट और बैक साइड को अटैच करके लिया है, उसी मेथड से आपको अगर स्टिचिंग करेंगे तो नेक में भी बहुत अच्छे से परफेक्टली स्टिचिंग आ जाएगी, परफेक्टली फिनिशिंग आ जाएगी। तो देखो ये इस तरह से आपको परफेक्टली नेक में और कैनवास पट्टी में जो डिस्टेंस है वो परफेक्टली आ गया है, और नेक में भी बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ गई है, शोल्डर में भी बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ गई है। तो अगर आप परफेक्ट मेजरमेंट से कैनवास पट्टी या शोल्डर में कटिंग करते हैं तो शोल्डर जितना है उतना ही आएगा, ज़रा भी शोल्डर एक्स्ट्रा नहीं होगा या फिर कैनवास एक्स्ट्रा नहीं होगा। तो इस मेथड से आपको वर्क करना है। अगर आप दोनों कैनवास पट्टी को सेपरेटली या फिर फ्रंट बैक में अलग से स्टिचिंग करते हैं, मतलब कि फ्रंट में अलग और बैक में अलग करके आप सेंटर से स्टिचिंग कर देते हैं ऑलरेडी अंदर के साइड पे आपको डाल के, तो वो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी शोल्डर में। तो शोल्डर फिनिशिंग के बाद आपको स्लीव्स की कटिंग देखनी है। अब नेक की फिनिशिंग के बाद आपको स्लीव्स में फिनिशिंग करनी है, स्लीव्स अटैच करनी है। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स ली है, 14 इंच हमारी स्लीव्स की लेंथ है। सेंटर में आपको नॉच लगा लेनी है, और देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक पेपर कटिंग करके लिया है, तो जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है हमें सेंटर से एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि गैदर से इफ़ेक्ट आपको क्रिएट करना है ऊपर की तरफ और नीचे की बॉटम की तरफ पे भी आपको दोनों साइड पे गैदर्स इफेक्ट देना है। तो बॉटम के तरफ में एक स्टिच लगा देती हो और हाफ सेंटीमीटर के ऊपर आपको स्टिच लगाना है, क्योंकि अंदर आपको इलास्टिक इंसर्ट करना है। इलास्टिक डालेंगे तो गैदर्स आएंगे, अगर आपको इलास्टिक नहीं डालना है तो आप गैदर्स क्रिएट करके बॉटम में आप स्मॉल पट्टी भी लगा सकते हैं। तो स्लीव राउंड हमारा 9.5 इंच है, तो एक इंच आपको एक्स्ट्रा रखते हुए स्मॉल इलास्टिक यहाँ पे हमने ली है। इलास्टिक के एक साइड के ऊपर आपको लेनी है और जो भी आपने स्टिचिंग किया था उसके अंदर इसको इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करते समय आपको ध्यान रखना है, अगर आप आगे आगे इंसर्ट करते जाएंगे तो आपको पीछे की तरफ इलास्टिक के ऊपर भी ध्यान देना है, नहीं तो आप आगे इंसर्ट करते जाएंगे और इलास्टिक पूरा अंदर चला जाएगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है। इलास्टिक डालते ही आपको एक साइड के ऊपर इलास्टिक से आपको स्टिचिंग कर देनी है, तो वो इलास्टिक अंदर नहीं जाएगा और एक साइड से इलास्टिक आपको बाहर निकाल के दूसरे साइड के ऊपर भी आपको एक स्टिच कर देनी है, ताकि दोनों साइड से इलास्टिक फिर से अंदर ना चला जाए। इसके लिए आपको दोनों साइड से इलास्टिक को लॉक कर देना है। तो इस तरह से बॉटम में गैदर्स इफेक्ट हो चुका है। अब आपको ऊपर की तरफ आर्म होल की तरफ आपको गैदर्स क्रिएट करने हैं, तो 2 इंच आपको साइड में रखते हुए 5 नंबर के ऊपर आपको स्टिच लगा लेनी है, ताकि हम इजीली उसके ऊपर गैदर्स अटैच कर सकें, गैदर्स आप क्रिएट कर सकें। तो एक थ्रेड को आपको पकड़ना है और उसी थ्रेड को आपको पुल करते जाना है, तो आप उस थ्रेड को पुल करेंगे तो बैक साइड पे गैदर्स इफेक्ट आ जाएगा। कुछ इस तरह से आपको गैदर्स क्रिएट करने हैं। तो दोनों साइड से आपको सेम मेथड से गैदर्स का इफेक्ट डालना है, और इफेक्ट डालने के बाद गैदर्स क्रिएट करने के बाद आपको आपका जितना भी आर्म होल का मेजरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आपको गैदर्स क्रिएट करने हैं। ना आपको गैदर्स ज़्यादा क्रिएट करने हैं ना कम करने हैं। अगर आप ज़्यादा क्रिएट करेंगे तो स्लीव का आर्म होल बड़ा हो जाएगा और एक्स्ट्रा स्लीव बच जाएगी, और आप कम करेंगे तो साइड में फिनिशिंग के लिए या फिटिंग के लिए आपके पास मार्जिन नहीं रहेगा। तो आपका जितना भी मेजरमेंट है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आर्म होल का मेजरमेंट लेना है। तो हमारा यहाँ तो ये हमारी बलून स्लीव्स रेडी हो चुकी है। आई होप आप सबको ये स्लीव्स का पैटर्न समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है,
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। अगर कोई डाउट है स्टिचिंग के बारे में या फिर आरी वर्क के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं और आरी वर्क सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।